सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। क्षत्रिय समाज की जरूरत है रही कहाँ पर? कोई जरूरत नहीं रही ना। जब उन्हें जरूरत नहीं तो हमें भी जरूरत नहीं है। 19 में क्या, हम तो वोट देते आ रहे हैं ना, और किसे दे रहे हैं वोट? हम ही नहीं देख रहे बीजेपी वालों को, और यही हमारी कब्र खोद रहे हैं। योगी मना करके गया कि यार कि ठाकुर लोग अपने घर बैठ जाओ, वोट नहीं डाल लो यार। यहाँ झूठ बोलने सच बोलने वो तो ना पता होगा। हम तो मोदी को वोट दे रहे हैं, हम कैंडिडेट को नहीं दे रहे वोट किसी को भी। तो आप मोदी को देख, मोदी को देख रहे हैं हम तो बस। हमारा तो कहने का ये है कि जो ठाकुर समाज ने जैसे ना उठाया ना, वैसा ही उन्होंने सम्मान ठाकुर समाज को नहीं दिया है। भैया औरों का तो हमें पता ना, हमें अपने गांव का पता। मान सम्मान की वजह से गांव ने पूरे ने यूँ तय किया है कि हम वोट नहीं गेरेंगे। कहाँ रोजगार मिल रहा बच्चों को? स्कूलों में कोई पढ़ाई है? टीचर पढ़ा रहे हैं क्या? कुछ नहीं पढ़ा रहे। शिक्षा व्यवस्था भी नहीं, बिल्कुल नहीं है जी। बच्चों की जिंदगी खराब कर दी। अरे जाइए, मोदी जी ने तो बहुत मजे ले लिए। अब नहीं मिला मोदी जी की गारंटी क्या है? उत्तर प्रदेश में योगी और बड़ी सीट पर मोदी, दो के सिवा हम किसी को देखते ही ना, क्या कोई भी आ जाए। हाँ योगी जी के साथ हैं, मगर इस इलेक्शन में इनके साथ नहीं हम। इनका तो जब भी कोई चुनाव होगा, जब भी बस धर्म के प्रति कोई आवाज उठा दें। तीसरे में आपका स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश की मेरठ लोकसभा सीट पर है। मेरठ लोकसभा सीट से बात करें अगर प्रत्याशी की, तो यहाँ भाजपा से अरुण गोयल जी को टिकट दिया है। वहीं दूसरी तरफ सपा से सुनीता वर्मा जी मैदान में हैं यहाँ पर, और बसपा से देवर त्यागी जी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग मेरठ लोकसभा सीट के यहाँ पर जो ठाकुर समाज के जो गाँव हैं, अलग अलग गाँव में हम जाकर पता करेंगे कि क्या ठाकुर समाज का इस चुनाव को लेकर मत बन रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में ठाकुर समाज ने कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से अपनी पंचायतों में कई सरकार का विरोध किया है और अपनी नाराज़गी जताई है भाजपा के साथ। अब देखना ये होगा कि ये चुनाव किस तरफ जाएगा, ठाकुर समाज क्या प्रतिक्रिया इस पर देगा। हम लोग यही पता करेंगे कि इस चुनाव को लेकर ठाकुर समाज की क्या राय बन रही है। पहले फेज का चुनाव खत्म हो चुका है, दूसरे फेज में मेरठ का चुनाव होना तय हुआ है। हम लोगों से बातचीत करेंगे कि मेरठ लोकसभा सीट को लेकर क्या लोगों की राय है, क्या इस बार उनके चुनावी मुद्दे हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार जी, क्या नाम अपना? राकेश तोमर। राकेश जी, फर्स्ट फेज खत्म हो गया चुनाव का, दूसरा फेज में ये सीट आ रही है मेरठ के, आप मेरठ में आप क्या देख रहे हैं, क्या माहौल देख रहे हैं चुनाव का इस बार? माहौल बहुत टक्कर का है जी, चुनाव बहुत दोनों का है, सपा और भाजपा, दोनों टक्कर का चुनाव है। लेकिन हमारे क्षेत्र में जो एक राजपूतों का क्षेत्र है, इसमें नाराजगी है, तो उस नाराजगी के कारण हमारे यहाँ से लगभग 60% वोटिंग नहीं हो पाने का। जो ठाकुर समाज है वो 60% वोट नहीं करने का, किसी को भी नहीं करने का। वो अपने घरों में रहेगा, वो वोट किसी को नहीं करेगा। ये नाराजगी क्यों इतनी, मतलब नाराजगी आ रही है? ये भाजपा से नाराजगी नहीं है, जो भाजपा के जो काम करने वाले हैं, जैसे मोदी जी ने एक अमित शाह को बना रखा है, मैन बना रखा है, तो वो सारा काम अमित शाह के ही कहने से कर रहे हैं। टिकट के लिए कभी कभी ये पीछे भी चला था कि टिकट के ठाकुरों को टिकट नहीं दिया इसलिए नाराज हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठाकुरों को एक टिकट नहीं दो, लेकिन अगर ठाकुरों के प्रति अगर कोई गलत बयानबाजी करेगा तो बर्दाश्त बिल्कुल नहीं हो करी जाएगी। तो इस बात की नाराजगी समाज में, समाज में इस चीज़ की नाराजगी है, क्योंकि भाजपा का एक कैंडिडेट है रूपाला, जो लड़ रही हैं वहाँ से लड़ रहे हैं रूपाला, उन्होंने हमारे जो पूर्वज हैं, महापुरुष रहे हैं जिन्होंने बलिदान दिया है इस देश के लिए, उनके लिए अपशब्द कहे हैं, तो वो बर्दाश्त से बाहर बात है। इसलिए हम भी यहाँ अपने जो हमारा एक गाँव है ठाकुरों का गाँव है, हम इसमें कोई वोटिंग नहीं करेगा, किसी के लिए वोट नहीं करेगा, वोट गिरेगा, हम वोट गिरेंगे नहीं किसी के लिए। कोई ऐसा नहीं है कि मतलब हम इस भाजपा से नाराज है तो दूसरे को वोटिंग करेगा, हम वोटिंग नहीं करने के, कोई वोटिंग नहीं होगा यहाँ पर। लेकिन मैं 2019 की बात करूँ तो ठाकुर समाज ने बड़ी संख्या में वोट, 2019 में एक लहर थी, जैसे कि मोदी जी के जो उनके काम कर रहे थे वो बहुत अच्छा था, और हमारा 60% जो वोटिंग होता है वो भाजपा को ही होता है, कोई भी चाहे राज्यसभा का हो विधानसभा का हो, कोई भी चुनाव होगा भाजपा के पक्ष में होता है, सब टोटल गाँव भाजपा का है। लेकिन इस इन चीज़ों की नाराजगी बनी हुई है, नाराजगी बहुत नाराजगी। अब यह है कि इन्होंने मोदी जी एक तरफ कहते हैं
कि आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर कैसे बन जाएगा आदमी? 5 किलो राशन जब एक आदमी को मिल रहा है घर बैठे, तो वो आत्मनिर्भर कैसे बन जाएगा? क्या करेगा वो? उसे बेकार कर रही है सरकार, बिल्कुल बेकार कर रही है। हम काम करने के लायक नहीं छोड़ रही बिल्कुल भी उसे। अभी पीछे जाता है आयुष्मान कार्ड बने थे, आयुष्मान कार्ड में कहा था 5 मेंबर होंगे जिस परिवार में, उसका आयुष्मान कार्ड बनेगा 500 पर 6 मिनट पर। लेकिन क्षत्रिय समाज या राजपूत समाज में कोई भी ऐसा, कोई हजारों की तादाद में एकाध परिवार ऐसा होगा जिसमें कि 6 आदमी होंगे, सब अपना वही रखते हैं, 2 बच्चे और 2 मियाँ भी 4 बच्चे होते हैं, तो सारी सुविधाएं तो उनके लिए कर रखी हैं, तो वोट भी उन्हीं से ले लो फिर। क्षत्रिय समाज की जरूरत है रही कहाँ? फिर कोई जरूरत नहीं रही ना। जब उन्हें जरूरत नहीं तो हमें भी जरूरत नहीं है। आदमी रहे जैसा भी है, हम अपना अपना काम करते हैं और सरकार काम कराती है वो उनके लिए कराती है। क्षत्रिय समाज को ही इनका काम पसंद नहीं आ रहा। मान सम्मान की भी बात है, मान सम्मान की बात सबसे पहले मैंने वही कहा था कि हमारे महापुरुषों पर अगर उंगली उठेगी तो मान सम्मान पहले चाहिए। हम समयपुर गांव में हैं यहाँ पर, और ये गांव जो है कहीं ना कहीं ठाकुर समाज यहाँ पर ज़्यादा है, ठाकुर बोहल्ले गांव है और ठाकुर समाज के लोग ही हमारे साथ हैं। और जानेंगे कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर क्या लोगों की राय है, क्या उनके मुद्दे हैं। जी नमस्कार जी बाबू जी। नमस्कार जी। जी क्या नाम है अपना? राधे लाल जी। राधे राम जी, क्या लग रहा चुनाव आगे? पहला फेज ख़त्म हो चुका है, दूसरे फेज में चुनाव चल रहा है अब, तो आपको क्या लगता है मेरठ सीट पर आप क्या देख रहे हैं, क्या माहौल बनने वाला है? देखो जी, मेरठ सीट पर तो हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो यू ठाकुर समाज है, यहाँ हमारे 12 गांव हैं, तो इनमें हम तो यूँ देख रहे हैं कि ज़्यादातर हमारा तो बीजेपी का ही है। बीजेपी के साथ है जी। तो क्या अच्छा लगता है बीजेपी में, ऐसे किस तरह के काम रहे उनके जो आपको अच्छे लगते हैं? बीजेपी के बढ़िया काम रहे, सबसे पहला काम तो युवक आदमी सुरक्षित महसूस कर रहा अपने को, और दूसरी बात युवक भी विकास भी करा है और सब ठीक ही है। कानून व्यवस्था आप कह रहे हैं कि अच्छी रही है, पहले क्या स्थिति होती थी अगर पहली सरकारों की बात करूँ? देखो जी, पहली सरकारों में तो युवक भाई हमारे यहाँ जो पहली सरकार ही भैंस खोल रही, चोरी जारी, दुनिया भर के केस हो के रहे। अब इस गवर्नमेंट में बिल्कुल ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। अब उस तरह की दिक्कत नहीं। अब कोई इस तरह कोई दिक्कत नहीं है। हमारे गांव में ही बाजार लगता है यहाँ, जब उस टाइम पे यहाँ बाजार लगे कर रहा तो पेंट ये जो है रहे पेंट वाले मतलब ये टाइम से चले जाए रहे, लेकिन अब ऐसा 10 बजे समाप्त हो कोई टेंशन नहीं है, फिर ही जाऊँ, ना कोई लूट है ना मार है, बढ़िया सुरक्षित है। आप कानून व्यवस्था से खुश हैं सर? खुश हैं जी, बीजेपी के जो काम है उनसे हम सब खुश हैं। क्या कह रहे थे आप, किस बात की नाराजगी? नाराजगी तो यही है, देखो ठाकुरों का मान हो रहा हर जगह, और हमारी महापंचायत ठाकुरों की सिसोली हुई थी, और उसमें जैसा हमारा समाज कहेगा ऐसी 19 में तो बड़े चढ़ के वोट दिया समाज, पूरा समाज 19 में क्या, हम तो वोट देते आ रहे हैं ना, और किसे दे रहे हैं वोट? हम ही नहीं देख रहे बीजेपी वालों को, और यही हमारी कब्र खोद रहे हैं, तो हम फिर वोट क्यों देंगे? हम वोट गिरे ना बिल्कुल भी, अपने घर रहेंगे या खेत पर रहेंगे, वोट गिरनी ना हमें। ऐसा क्यों, इस तरह का व्यवहार क्यों अभी समाज? तो यूँ है देखो जी, क्या नाम है, ठाकुरों का अपमान हर पार्टी में सम्मान मिल रहा है, यहाँ अपमान मिल रहा है। मेरठ में जो टिकट दिया है अभी, उसको भी लेके कुछ नाराजगी है कि भाई क्षेत्रीय नेता, लोग कह रहे थे कि क्षेत्रीय कैंडिडेट को नहीं बनाया इस बार मुंबई से लालो जी, क्या नाम है, वोट तो दे पे जनता, और ये ला के किसी को बनाते हैं, देते हैं टिकट, तो टिकट वोट ले आएंगे जहाँ से लाएंगे, ठाक है मुंबई से ले आएंगे वोट, हम तो नहीं लेंगे वोट। तो कह रहे भगवान राम का रोल गाँव में वो नहीं घूम रहा है ना, वो दे रहा फोन पे या उस पर मैसेज, हाँ जी मैं उनको भी बोल रहा हूँ ऐसे का वोट दिए, जहाँ आदमी वोट उसे तो देगा जो उस क्या नाम है उसे जानेगा है, तुम लाके किसी को कहीं से बैठा दो और टिकट दे दो भाई, जो क्षेत्र में आदमी अपने में घूम रहा है जो उसे जानता वोट उसे तो देगा, अब दूर से किसी को ला के तुम बैठा दो कौन वोट दे देगा।
प्रधानी के इलेक्शन हो, प्रधानी के इलेक्शन में गांव का खड़ा हो गया तो सब लोग जाना है। वो पहली बार इलेक्शन में आया, उसका कोई विरोध नहीं है, कहीं से लाके किसी को बैठा तो क्षेत्र में पहली बार आया, अभी उसे पता नहीं। क्षेत्र में अच्छे काम करेगा वोट मिलेंगे, और वोट मिलेंगे योगी के लिए। तो नाराजगी किस बात? नाराजगी योगी से किसी की नाराजगी नहीं। योगी कल को आदेश कराए कि वोट डलनी है ठाकुरों की, कोई कितना भी बड़े नेता तो योगी की वोट डलेंगी, इस गांव में डलेंगी। देखिए तो नुकसान भाजपा को हो जाएगा फिर, भाई अगर वोट नहीं डलेगी तो योगी की वोट डलेंगे। अगर योगी के कल ही आदेश आ जाते कि वोट डलेंगी योगी की, वोट डलेंगी योगी की। अगर योगी आया अभी, हाँ मैं हमारा जाना नहीं हुआ, योगी मना करके गया कि यार कि ठाकुर लोग अपने घर बैठ जाओ, वोट नहीं डाल लो। यार यहाँ झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं वो तो ना पता होगा। और क्या काम अच्छे लगते हैं आपको? बाकी सुरक्षा चली रही है, सुरक्षा के मुद्दे से आप? हाँ, लेकिन कई लोग आरोप लगाते हैं भाई बेरोजगारी पे काम नहीं कर पा रही मोदी सरकार। अरे देखो काम के तो अगर करेगा आदमी तो पैसा थोड़ी बढ़ जाएंगे उसके। सरकारी नौकरियां कह रहे कम है अभी, आपको भी लगे ऐसा? नहीं नहीं ऐसा कुछ। क्या नाम है बाबूजी? मेरा नाम महिपाल है जी। क्या लग रहा है जी मेरठ सीट पे, क्या देख रहे हैं? सीट पे ही लग रहा है, जो इन्होंने वादा करा पहले जो जीते वो काम करके दिखाया मोदी ने, है आज हम उससे खुश हैं कि मोदी ने जो बताया कि भाई 370 हटा दी, अयोध्या में मंदिर बनवा दिया, और जितने गुंडागर्दी ये सब साले जो वैसे बदमाश है जो साले अपने को बड़े मानने वे साले गोली से उड़वा दिए, ऐसी गवर्नमेंट चाहिए हमें? तो हम तो मोदी को वोट दे रहे हैं, हम कैंडिडेट को नहीं दे रहे वोट किसी को भी। तो आप मोदी को देख? मोदी को देख रहे हैं हम तो, बस कैंडिडेट कोई भी हो, कैंडिडेट कोई भी हो, हमें तो सिर्फ मोदी मोदी चीज दिखाई दे रहा है, और मोदी को देना है, और मोदी आदमी जैसा मिलना नहीं। हाँ, और जो मोदी से अलग जाएगा वो तो हिंदू है ही नहीं। हम तो बीजेपी के पक्के रहेंगे चाहे सारा कुछ भी हो, अगर वो कुत्ते को भेजता है यहाँ जब भी मोदी की वोट जाता। हाँ, एक चीज और बताओ आप, जैसे ये तो मेरठ लोकसभा सीट है, हम कैराना और मुजफ्फरनगर अगर बात करें, ठाकुर थोड़े से नाराज चल रहे हैं, वहाँ पंचायतें वगैरह हुई तो क्या वो भी ठाकुर समाज ही एक तरह से, तो उनकी नाराजगी नहीं आपको लगता कि सही है या गलत है, आप कैसे देखते? हमें तो ये दिखाई दे रहा है कि वे नाराज जरूर है पर वोट सब बीजेपी पे जाएंगी, और गई हैं जो इलेक्शन जहाँ भी हुआ है बीजेपी पे जा रही है वोट, तो अंदर ही अंदर हो गया कुछ? हाँ अंदर अंदर होगा, यहाँ भी ऐसी हो रहा। हम जिनसे बात कर रहे हैं ना, जो उनसे अपोजिट है, हमने की मैंने अभी बताओ कि वोट गिरा कहाँ अनु बीजेपी पे, हम तो बीजेपी के यही है, अब वे जो उनसे खिलाफ बोल रहे उन्होंने कही ना बीजेपी घेरी हो तुम भी, आराम भी बीजेपी भी जाएंगे। लेकिन वहाँ मुजफ्फरनगर में तो बड़ा भारी विरोध हो रहा था ठाकुर समाज द्वारा। हाँ विरोध जरूर हो रहा पर वोट बीजेपी भी जाएंगी सब। नहीं जब विरोध कर रहे वोट कैसे दे? वोट देंगे, हमारे यहाँ भी तो विरोध बहुत पड़ा भारी है, यहाँ भी तो ऐसे हुआ मेरठ में भी, मेरठ में यही हुआ, सिचौली में पंचायत मीटिंग हुई, योगी आया, बड़ा भारी विरोध है पर वोट जाएंगे सब बीजेपी की। हाँ? मना लिए तो आखिर में बनना ही मोदी है प्रधानमंत्री। ये 2019 का ही है, जो 19 में हमने उन्हें चुनाव देखा, जो सम्मान हमने उन्हें दिया उन्होंने हमें वो सम्मान ही नहीं दिया, तो क्या करेंगे हम करके? ठीक है भाई कल कोई और आएगा तो ये तो आने जाने हैं नेता। तो अभी क्षेत्र जैसे कैराना या मुजफ्फरनगर की बात करूँ, फर्स्ट फेज में जो चुनाव था वहाँ भी ठाकुर समाज से भारी विरोध हो रहा है। ठाकुर समाज का विरोध है ही जी, जायज है उसका विरोध, जायज है। बाकी जो मुद्दे हैं भाई, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार, क्या इनको लेके भी नाराजगी? नहीं इनको लेके कोई नाराजगी नहीं है। शिक्षा का है मऊ खास स्कूल में मेरा लड़का 10वीं में पास करी है उसने, और मऊ खास स्कूल में एग्रीकल्चर नहीं है स्कूल में, और लड़के को जबरदस्ती एग्रीकल्चर दी है। क्या प्रिंसिपल को पता ना कि एग्रीकल्चर जब स्कूल में नहीं है, टीचर नहीं है पढ़ाने वाला, तो एग्रीकल्चर क्यों दिया लड़के को, क्यों पढ़ाया? और एक घंटा नहीं चला 10वीं में, और जो पढ़ाने वाला मास्टर ना, एक लंगड़ा सा मास्टर रहा, बहुत होशियारा, उसका बहन जो ट्रांसफ़र कर दिया। सुकेंदर मास्टर रहा, प्रिंसिपल बनने के काबिल आए इस स्कूल में, सुकेंदर मास्टर जो, लेकिन उसको यहाँ से बाहर भेज दिया, प्रिंसिपल बना रखा, और कुछ नहीं, भेड़ के फुप्पा को कुछ नहीं पता, उसका कुछ नहीं पता। तो आपको लगा कि पढ़ाई लिखाई पे काम? पढ़ाई लिखाई पे है ही नहीं है इस स्कूल में, है ही नहीं कुछ भी नहीं है इसमें, जीरो है स्कूल ही। तो मेरठ पे क्या देख रहे हैं? मेरठ सीट पे फिर है, मेरठ सीट पे क्या सीट पे आया है? आया है अभी, देखेंगे ऐसा कैसा है, हम इसके विरोध में थोड़ी है कोई, पहली बार आया। अरुण गोविल जो है, अरुण गोविल आया, अच्छे काम करेगा, अभी वो पहली बार ही तो टिकट दिया, लेकिन अभी मन नहीं बना रहे। हाँ मन नहीं बना रहे, मन नहीं है। अच्छा अभी इन्होंने तो त्यागी, मतलब ठाकुर समाज में उनके लिए
वही वो पार्टी से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत सिर्फ इनसे बात करो और ज्यादा ये बताएंगे। मतलब हमारा तो कहने का ये है कि जो ठाकुर समाज ने जैसे ना उठाया ना, वैसा ही इन्होंने सम्मान ठाकुर समाज को नहीं दिया है। मान सम्मान नहीं, मान सम्मान की बात है, बाकी कोई नहीं है। शिक्षा विक्षा ये सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो देखो माँ बाप की भी गलती होती है, क्या पढ़ा रहे हो अपने बच्चे को। शिक्षा कोई इतना बड़ा वो नहीं है, मेन मान सम्मान है। जो कॉलेज हैं वो वगैरह वो सब बढ़िया है, सब सुविधा बढ़िया है, वैसे भी रहन सहन भी बढ़िया है, आदमी खुश रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मान सम्मान वाली बात है। बाबू जी क्या नाम? जय सिंह। जय सिंह जी, बाबा जी चुनाव तो काफ़ी देखे होंगे अपनी उम्र में, तो इस बार क्या देख रहे हैं? 24 में मेरठ लोकसभा सीट है ये, इस पर क्या देख रहे हैं? समाज क्या देख रहा है? भैया औरों का तो हमें पता ना, हमें अपने गांव का पता। मान सम्मान की वजह से गांव ने पूरे ने यू तय किया है कि हम वोट नहीं दे रहेंगे। बस अब मुझे हो रही है देर, मेरी बुक गई। अच्छा, तो नोटा पे जा रहे हैं आप? नहीं, नोटा कुछ नहीं, वोट नहीं, वोट डाल जाएंगे नहीं, वोट डालने नहीं जाएंगे, वोट घर पर रहेंगे, वोट डालने नहीं जाएंगे, वोट कोई नहीं डालेगा। लेकिन ये इस बार 19 में तो अच्छे गए थे, इस बार क्या नाराजगी है? बस नाराजगी तुम पता हो गुजरात में क्या कही है, हैं, और ये नेता क्या कह रहे हैं हमें। हमारी 16,000 रानियों ने जौहर किया, अग्नि में मजाक ना जलना। महारानी पद्मनी रतन सेन के घरवाली अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में, इतिहास का आदमी रहा हूँ मैं। वो भेज दिए तो जनाने भेष में, बोलो साले को वहाँ कुदा रहे हैं, अब वो अपना अग्नि में कूद गई। तो मान सम्मान है हम, तो मान सम्मान का ध्यान नहीं रख रही भाजपा इस बार। हाँ, हमारा न रखा राजपूतों का। जी ऐसा ही ध्यान, राजपूतों का ध्यान कोई नहीं रखा राजपूतों का। और इसी से यही कारण है एक कि जो राजपूत क्षत्रिय बिरादरी है वो इसीलिए नाराज है, मान सम्मान सबसे पहले है। लेकिन अभी मुख्यमंत्री है योगी जी भी, तो उनका नहीं प्रभाव पड़ेगा, वो नहीं नाराज होंगे भाई ठाकुर वोट नहीं कर रहा है मोदी के लिए? नाराज तो होंगे, लेकिन जब समय आएगा 27 में चुनाव होगा, झड़पल वोट पड़ेंगी, एक एक वोट बुला बुला के वोट पड़ेगी, 100% वोटिंग होगा योगी जी के, 100% होगा योगी जी को। भी कहाँ समझ रहे हैं ये, योगी जी को भी थोड़ा इसलिए समझ रहे हैं जो क्षत्रिय समाज अब खड़ा हुआ है, वरना इनका तो प्लानिंग कुछ और था, इनका तो प्लानिंग कुछ और थी। इनकी प्लानिंग तो ये है कि जैसे भी अभी क्षत्रिय समाज ऐसे बांटो इसे, और बांटने के बाद फिर योगी जी को उतार दो, जैसे और दो जी के उतार दिए, तो इनका तो फंडा है, लेकिन ये फंडा इनका चल नहीं पाने का। तो उन पर भी कुछ आचाने के आसार है इनकी तरफ से? किस पे? योगी जी पे भी नहीं, अब तो हमें लगता नहीं ये छेड़ दें, छेड़ देगा तो अब तो अभी तक तो अभी तो ये पंचायतें हो रही हैं, लेकिन अगर योगी जी के प्रति कोई बात आती है तो उपद्रव, एक उपद्रव होगा देश में। तो अभी भारी विरोध है एक तरह का, भारी विरोध, उपद्रव होगा जो कि इनसे काबू नहीं हो पानेगा, इतना विद्रोह होगा। जी नमस्कार जी, क्या नाम अपना? हमारा नाम संजू है। संजू जी क्या लग रहा है चुनाव आ रहे? पहला फेज तो खत्म हो गया, दूसरे फेज में चुनाव है मेरठ के, तो किसे देख रहे, किस की सरकार बनवा रहे इस बार? सरकार तो मोदी की बनेगी, और किसकी बनेगी, सब भाजपा को ही वोट देंगे। क्या अच्छा लगा है भाजपा में, कुछ बताओ कुछ चीज भाई, ये काम अच्छे हुए हैं जिसलिए भाजपा पे जा रहे? बुरा काम एक भी ना करा इन्होंने, सब अच्छे ही करें। लेकिन विपक्ष तो चिल्लावे कि भाई ये नहीं कर दो, गुंडा है ही विपक्ष, तो गुंडे हैं ये विपक्ष, तो झगड़ा भी चाहेगा, और ये झगड़ा ही तो करा रहे हैं, कहीं किसी को फुलसा दिया, कभी किसी को फुलसा दिया, वहाँ बैठा दिया, वहाँ बैठा दिया, नाराज कोई किसी से नहीं है। आप मोदी के चेहरे को देख रहे हैं? हाँ जी, हमें तो कैंडिडेट जो है, अजी क्या कुत्ता आ जाओ या फूस का पूरा आ जाओ, हमें कैंडिडेट से क्या लेना, हमें तो मोदी को देखना। करते क्या आप? हम तो किसान आदमी है, मेहनत करते हैं, किसान आदमी है, तो किसान पे थोड़ी सी बात करूँ, किसान आंदोलन भी चला यूपी में, पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा किसान आंदोलन में था, तो आपको क्या लगे भाई, 13 महीने बैठे वहाँ और 750 किसान शहीद हुए, और आप कैसे देखते हैं इसको भाई सरकार, आप फिर भी मोदी करे किसान हो, कुछ दिक्कत है उसमें? नहीं, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, 20 रुपये गन्ने पे एकदम बढ़ाए, किसी भी पार्टी ने आज तक नहीं बढ़ाए गन्ने पे। किसान तो कह रहे कम है ये, तो इनसे तो काम नहीं चलता ना, है तो कम है, तो कम ही, खर्चा ज्यादा आ रहा, मजदूरी ज्यादा महंगी हो रही है, पर यहाँ तो थोड़े में ही गुजारा कर लेते हैं, जो सरकार ने राजा ने भाव दे दिया उसके पीछे हम लड़ेंगे थोड़ी। अच्छा सही बात बताओ, सरकार से किस मामले में खुश हो? चलो बाकी तो होता रहेगा, सही बात बताओ। सही बात तो यू है, इन्होंने गुंडागर्दी खत्म कर दी,
सुरक्षा की बात आप कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, जहाँ आप हम बैठे हैं खड़े हैं, थोड़ा सा गढ़ रोड की तरफ कुचलते हैं, दिन के 11-12 बजे दोपहर में लूट हो जा, पहले लूट हो जाए, पहले खूब दिन में, रात में नहीं, दिन में लूट होती थी, रात को लूट होती थी, दिन छिपते ही बदमाश गांव में घुस जाते थे, गांव के आदमी पैरे लगाते थे। तो अब ये काम सब बंद है, तो मोदी की सरकार तो अच्छी लगेगी। तो जैसे ये कह रहे थे भाई किसान की आय दुगनी कर देंगे, उस पर कुछ काम हुआ? ये तो कह रहे मोदी जी ने सारे काम पूरे कर दिए, आपको भी लगा कुछ काम रह गया अभी? देखो जी बात ऐसी है, काम ज्यादा है समय थोड़ा है, जो काम रह गए हैं वे आगे को पूरे हो जाएंगे। अजी मोदी जी ने मान सम्मान कराई नहीं, बिल्कुल छतरी जाति का मान सम्मान बिल्कुल नहीं करा, बच्चों की जिंदगी खराब कर दी, सही बताऊँ तो मैं बेकार हो गए, कोई रोजगार नहीं दिया। रोजगार की समस्या आप कह रहे हैं? हाँ रोजगार की समस्या और मान सम्मान बिल्कुल नहीं करा, सही बताऊँ तो मैं। ये तो कह रहे थे 2 करोड़ नौकरियां देंगे साल में, जब 2014 में आए थे मोदी जी ने कहा। किसको दिए नौकरी बताओ? मिली है ऐसी कुछ व्यवस्था हुई? सब बच्चे बेकार हो गए, बच्चे ये भर्तियां वगैरह होती थी, अग्निवीर 4 साल की कर दी, इसका इस बातों का भी रोष है समाज में? नहीं भर्ती का नहीं है कि भाई ये थोड़ी का अग्निवीर ही है, और भी नौकरी है, कहाँ रोजगार मिला बच्चों को? स्कूलों में कोई पढ़ाई है? टीचर पढ़ा रहे हैं क्या? कुछ नहीं पढ़ा रहे, शिक्षा व्यवस्था भी नहीं, बिल्कुल नहीं है जी, बच्चों की जिंदगी खराब कर दी, शिक्षा व्यवस्था की ज्यादा, हाँ सब बच्चों की जिंदगी खराब कर दी, सब स्कूल में देख लो सब मौज मार रहे हैं, और सुनो इधर को आ जाओ सामने से, बच्चों कमी बच्चों के काटते हैं और कुछ करते नहीं है। अभी जो भर्ती हुई थी यूपी पुलिस की, ये भी रद्द होगी, पेपर लीक के कई मामले आ गए, कहाँ आपको दिक्कत नजर आ रही है? नहीं उससे तो देखो कोई दिक्कत नहीं आ रही है हमें, ऐसी कोई बात नहीं है, उससे कोई ऐसी बात नहीं है। ठाकुर समाज क्या देख रहा है मेरठ लोकसभा पर, अगर आप देखे भाई वोट करेगा या विरोधी रहेगा या क्या रहेगा? नहीं जी वोट नहीं डाले, वोट डालेंगे विरोधी, विरोधी है वोट नहीं डालेंगे। हमारे यहाँ ग्राउंड में ग्राउंड पड़ता है आर्मी वालों का, इसमें पूरे भर के आदमी लड़ बच्चे तैयारी कर रहे, यानी कि 12 मासी, और इन्होंने जब से 4 साल की अग्निवीर योजना जो चलाई है, जब से बच्चों ने बिल्कुल दौड़ लगानी बंद कर दी, क्या करें, वहाँ 4 साल कौन जा रहा भर्ती देखना, रुचि छोड़ दी, यानी हमारे गांव का हर साल का रिकॉर्ड है, 1-2 बच्चा जरूर ये क्या नाम है पुलिस में और आर्मी में लड़का लग रहा। अब जब बच्चों ने मन छोड़ दिया अब क्या करें? कि अभी एक अग्निवीर में जो थे पंजाब में एक न्यूज आई थी कि भाई उन्हें शहीदी का दर्जा नहीं दिया, नहीं दिया गया जी हमने, ये अपमान है एक तरह। हाँ अपमान है जी, अपमान है। क्या कह रहे थे भाई? एम्बुलेंस तक भी नहीं दी उसको शहीद जो मरा है वो सैनिक, और क्या फैसिलिटी मिलेगी बताओ, अपने पैसों से एम्बुलेंस करके ले गए वो डेड बॉडी को भी, ये तो एक ड्रामा कर रखा है सरकार ने। तो ये दिक्कत नहीं होगी देश के प्रति जो भावना है एक इंसान की भाई आर्मी के लिहाज से अगर देखे तो, ये कितना सही और कितना गलत लगी आपको ये योजना? 99% गलत है अग्निवीर जो है, 1% भी सही नहीं है, बताइए किस उस मुद्दे पर जो देखें सही है ये। लेकिन सर सरकार तो अड़ी है कि बहुत अच्छी योजना है, लोगों के फायदेमंद की है, इस तरह की चीज़ें कह रहे हैं। सरकार के बहकम है अब नाने की पब्लिक जी, पहले जो आ गई थी अब बिल्कुल भी बहकावे में नहीं आने की है। तो नौजवान कैसे देख रहा है, रोजगार की भी समस्या है? रोजगार तो 99% बेरोजगारी हो रहे हैं सब, रोजगार है कहाँ पर? यही तो कह रहे थे 2 करोड़ नौकरियां देंगे हम, 14 में वादा किया, कहाँ पे दी है बताइए, कहाँ दी है? ठीक है, अरे मोदी की गारंटी है इस बार भी, अरे 24 में 400, अरे जाइए मोदी जी ने तो बहुत मजे ले लिए, अब नहीं मिला मोदी जी की गारंटी, क्या है कुछ गारंटी नहीं है मोदी जी की, गई है तो लहर, अब ये तो 400 पार कह रहे इस बार 400 पार, हम वोट खुलेंगे जब पता लगेगा वो। तो विरोध क्यों हो रहा ठाकुर समाज? विरोधी राज ये ठाकुर समाज को नीचा दिखा रहे हैं ये, इसलिए पूरा पूरा विरोध है। तो वोट का क्या होगा, जाओगी या क्या? नहीं होगी जी, यहाँ वोटिंग होगी नहीं, ये क्षेत्र ठाकुर समाज का ही है, वोटिंग नहीं होने की है। उत्तर प्रदेश में योगी और बड़ी सीट पर मोदी, दो के सिवा हम किसी को देखते ही ना, क्या कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए, क्या अच्छा लग रहा है सब? सब कुछ अच्छा है, एक तो सबसे पहली बात हमारे कुएं सुनने पड़े रहे हैं, हम जाते ही ना जंगल को,
बदमाशी खत्म। हमें क्या चाहिए, हम तो जब रात को भक्के जाए रात को पीटे ही, हमें तो सब अच्छा ही अच्छा लग रहा। तो ये ठाकुर बहुल्ले गांव है एक तरह से, आप क्या देख रहे हैं इसमें, ठाकुर समाज क्या देख रहा है? ठाकुर समाज पूरी देखेगा पूरी, उसमें क्या बात है। लेकिन पश्चिम प्रदेश में कई जगह विरोध भी हो रहा ठाकुर समाज का, वो तो एक दिखावा है किसी से अपना नाराजगी जाहिर की है, यूं नहीं कही क्या वोट ना दें। नाराजगी जब तक जाहिर नहीं करेंगे तो जब तक हौसलेदार हमें देगा क्या, नजर में नहीं आएंगे तब तक हैं, जब तक क्या नजर आवा होंगे, नहीं तो वोट तो मोदी की है। वहाँ उधर मुजफ्फरनगर कराने की साइड तो भाई सुनने में आ रहा था, देखने में बड़ा भारी विरोध, जब वोट खुलेंगे जब तुम्हें पता लग जाएगा। हाँ ऐसा कुछ ना हो तो यहाँ से आप फूल देख रहे। हाँ फूल ही फूल। नमस्कार जी, क्या लगे बाबू जी मेरठ सीट पर? मेरठ सीट पर बीजेपी जीतेगी जी। और जो है और भी तो लाइन में है, उनका क्या होगा? लाइन में तो देखो जब लड़ते हैं तो सब लाइन में ही रहे हैं। यानी इन्होंने काम कराया, भाजपा ने काम कराया, गुंडागर्दी खत्म। पहले किसान ट्यूबवेल पे जावे, पता लगा लाइन उतर गई, पता लगा मोटर ही गायब। अब किसान अपने घर सोते हैं, ना ट्यूबवेल की मोटर गायब ना लाइन गायब। बहन बेटी स्कूल जाती हैं टाइम बाई टाइम आती हैं सुरक्षित, पहले तो दिन में जाना भारी है, यही हमारे यहीं इन्हीं रोडों पर दिन में डकैती पड़ जाना। भर्ती और पेपर लीक का भी बड़ा मामला बनाया जा रहा है, सरकार ध्यान नहीं पेपर, वो बात आपकी सही है पेपर लीक का। अब जो पेपर लीक है वो पकड़े जा रहे हैं, जिन्होंने पेपर लीक करा पकड़े जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं बताओ। अब यूँ तो है नहीं, आज एक बदमाश कहीं डकैती डाल के ले जाए एकदम तो नहीं पकड़ा जाएगा, उसे भी टाइम लगेगा। तो गवर्नमेंट कर रही है अपना इंतजाम, पकड़ रही है उन्हें, आगे को नहीं होने का। लेकिन व्यवस्था भाई इतने सालों बाद भर्ती आई भाई, व्यवस्था सरकार को प्रशासन को पहले से टाइट रखनी चाहिए थी आपको। नहीं मेरी बात सुनो, वो टाइट रखने वाली बात ही, अब इन्होंने अग्निवीर चलाई है, चलो हम इससे भी खुश हैं भाई, बच्चे तो हमारे ही जा रहे हैं। अग्निवीर 4 साल की है, इससे दिक्कत नहीं है। 25% मेरी बात सुनो, उसमें 4 साल की है, 5 साल की, उसमें जो बच्चे कामयाब हैं उसमें वो भी तो रखे जाएंगे, वो सारे थोड़ी लिखेंगे। 25% तो रैंकिंग है। गारंटी तो आप भी देखते आ रहे हो 14 साल से, गारंटी देना और उसे पूरी करना बहुत अंतर है। तो मन भी बदल सकता है आखिरी में कुछ, देखो क्या होता है। नहीं सही सारा हो जाए भाई, इधर हो लो इस बार, इशारा नहीं होने का जी, इशारा नहीं होने का। हाँ योगी जी के साथ हैं मगर इस इलेक्शन में इनके साथ नहीं है हम। हाँ योगी जी के साथ है, मोदी जी के साथ, मोदी जी के साथ नहीं है, योगी जी के साथ है जी, और खुल के रहेंगे योगी जी के साथ। आखिरी में कुछ बन जाओ उलट फेर, कुछ नहीं होने का जी, हम वोट करें ना इनका। तो जब भी कोई चुनाव होगा, जब भी धर्म के प्रति कोई आवाज उठाते हैं, आपका राम मंदिर का पहले उसका उठा दिया, आपका मूर्ति स्थापना का उठा दिया उन्होंने, इन्होंने पता कि स्टडी यही कामयाब चलेगा फंडा, यही था इनका, वोट लेनी थी ना। लेकिन अब सब समझ गई पब्लिक, अब इनको सब ऐसी बात नहीं, राजपूत नहीं हर बिरादरी समझ गई, ज़्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाता कोई भी, मनमानी चल रही है इनकी, अब नहीं चल पाने की। हम लोग मेरठ लोकसभा सीट के ठाकुर समाज के जो गांव है वहां पर हमने अलग अलग गांव में जाकर बातचीत की है। कुछ लोग ठाकुर समाज से अभी भी भाजपा के साथ है और कुछ लोग भाजपा से भारी संख्या में विरोध कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो ठाकुर समाज है वो अलग अलग प्रतिक्रियाएँ दे रहा है भाजपा को लेकर। जुड़े रहे आप CCA से, उत्तर प्रदेश से आपको खबरें आती रहेगी। धन्यवाद।